Hello and Assalamualaikum to last lecture of React.js beginner to expert level course. जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमने अब तक सारे लेक्चर्स में क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ React.js, उसके बाद हमने देखा React.js की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आहिस्ता आहिस्ता हम मूव ऑन किए React.js के एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ। उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन बनाई, जो भी हमने बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट सीखे थे रिएक्ट के, उनको यूटिलाइज करते हुए एक बेसिक सी हमने ई कॉमर्स ऐप बनाई। उस ई कॉमर्स ऐप के अंदर फिर हमने रिएक्ट राउटर डॉम डाल के रीडायरेक्शन डालना सीखी। उसके बाद हमने एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा जो कि है रिडक्स लाइब्रेरी का, और फिर हमने देखा कि रिडक्स लाइब्रेरी क्यों यूज़ होती है और वो रिएक्ट एप्लीकेशंस के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करने में क्यों इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद हमने एक और टॉपिक की तरफ जंप किया जो कि आजकल का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है रिगार्डिंग React.js एंड दैट इज़ हुक्स, और हमने हुक्स की कुछ बेसिक टाइप्स देखी जो कि सबसे ज़्यादा फेमस हैं आजकल और आजकल बहुत ही इन डिमांड है। राइट आफ्टर दैट हमने अपनी जो ऐप बनाई थी थर्ड लेक्चर में रिलेटेड टू ई कॉमर्स, उसमें हमने हुक्स को इंटीग्रेट किया और देखा कि किस तरह हुक्स के अंदर अगर आप काम करें तो आपकी डेवलपमेंट फास्ट भी हो जाती है और इफ़ेक्टिव भी हो जाती है। उसके बाद हमने देखा कुछ यूटिलिटी लाइब्रेरीज़ को, फॉर एग्जांपल लोडैश एंड मटेरियल यूआई, और हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप इन दोनों लाइब्रेरीज़ को मिक्स एंड मैच करके अपनी रिएक्ट एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं और अपनी रिएक्ट ऐप्स को स्मार्ट से स्मार्टेस्ट बना सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट एपिसोड या लास्ट लेक्चर पे। इस लेक्चर में हम बेसिकली इस बात पे फोकस करेंगे कि अब आपके पास रिएक्ट स्किल्स तो आ गई, व्हाट्स नेक्स्ट। सो आपने जब ये कोर्स स्टार्ट किया था तो आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की एक्सपर्ट नॉलेज तो थी ही, और इस कोर्स को अगर आपने अच्छे से फॉलो किया है और साथ साथ प्रैक्टिस किया है तो आई एक्सपेक्ट कि अब आप React.js में भी काफ़ी स्किल हासिल कर चुके होंगे। क्या आप ये सब कुछ सीख के अब कुछ भी नहीं करेंगे? दैट्स नॉट ट्रू। अगर हम अपने मिशन को दोबारा से रिवाइज करें तो इस कोर्स का मकसद ही यही था कि आप लोगों को ना सिर्फ एक न्यू स्किल सिखाई जाए बल्कि आपको इस काबिल बनाया जाए कि आप इन तमाम स्किल्स को यूटिलाइज करके और अपने लिए भी कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें और अपने मुल्क के लिए भी किसी तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकें। जैसे कि इनिशियली मैंने आपको बताया था कि सनी भाई का ये मोटिव है कि बाय 2025 हर पाकिस्तानी को इस काबिल बनाना है कि वो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रेवेन्यू लेकर आए और कलेक्टिवली हम मिल के $1 बिलियन पाकिस्तान में ला सके, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को यकीनन बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो ये काम हम किस तरीके से कर सकते हैं? इसके लिए आप काफ़ी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ तरीके लो पेइंग हैं, कुछ तरीके हाई पेइंग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी लोकल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे आपको React.js डेवलपर की सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी जितनी आपको बाहर के मुल्कों में मिल सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको ये एडवाइस कर रही हूँ कि आप बाहर जाके React डेवलपमेंट की जॉब सर्च करें या वहाँ पे जाके आप काम करें। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करने वाली हूँ फ्रीलांसिंग। सो आप फ्रीलांसिंग के थ्रू बाहर की कंपेटिटिव सैलरी अर्न कर सकते हैं सिटिंग एट द कंफर्ट ऑफ योर होम। यस, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीलांसिंग। सो फ्रीलांसिंग में बेसिकली आप जहाँ भी हों, जब भी हों, जहाँ जिस मर्जी हालत में हो, अगर आपके पास इंटरनेट और लैपटॉप है और आपके पास कुछ वैल्यूएबल स्किल्स हैं तो आप उन्हें यूटिलाइज करके कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं। और आईटी के केस में तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ का एक समंदर है जो कि आप जिसको इस्तेमाल करते हुए फ्रीलांसिंग में बहुत आगे जा सकते हैं। सो आपको सबसे पहले मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जो कि एक बिगिनर फ्रीलांसर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड नॉट जस्ट फॉर बिगिनर फ्रीलांसर्स बल्कि समवन हु वांट्स टू स्टे इन दिस फील्ड, जो फ्रीलांसिंग को लेके चलना चाहता है एज अ कैरियर, उसके लिए भी ये टिप्स बहुत वैल्यूएबल हैं। सो सबसे पहली टिप है जस्ट स्टार्ट, एज सिंपल एज दैट। सो मोस्टली लोग जो है वो फर्स्ट टिप पे ही आके और ठप हो जाते हैं बिकॉज उनके अंदर या तो ये इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो कुछ ना कुछ बना के डिलीवर कर सकते हैं, या फिर उन्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे एतबार नहीं होता, या फिर दे जस्ट गेट लेज़ी। और वही बात है कि जब तक आपको पीछे से धक्का ना लगाया जाए आप खुद से शुरू नहीं करते, और ये काम आपको जब आप कोई प्रॉपर जॉब ज्वाइन की हुई हो तब तो आपको एक सर पे डंडा होता है बॉस का या मैनेजर का, या एक डेडलाइन होती है आपके सर पे। लेकिन जब आपके ऊपर कोई आपको मैनेज करने वाला ना हो तो बहुत से लोग सेल्फ मैनेज अपने आप को नहीं कर पाते। यहाँ पे आपको अपनी कुछ सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और आपको इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। जो इंसान इनिशिएटिव लेता है वही आगे जाता है। सो आपको अपना माइंड मेकअप करने की ज़रूरत है और आपको फ़र्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है। आपका फ़र्स्ट स्टेप कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद आप रिसर्च कर सकते हैं कि आप React.js में किस तरीके से अर्न कर सकते हैं, या आप कुछ आगे मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊंगी, उन पे साइन अप कर सकते हैं। दैट कुड बी योर फर्स्ट स्टेप। आपको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कोई इनपुट देना ज़रूरी है टू गेट सम आउटपुट। ये नहीं हो सकता कि बैठे बैठे आपने ये कोर्स कर लिया और अब आप समझ रहे हैं कि आपके पास उड़ के ख़ुद अपॉर्चुनिटी आएगी। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स इन रियलिटी। आपको हमेशा फ़र्स्ट स्टेप लेना ज़रूरी है। सो माई फर्स्ट एडवाइस वुड बी टू जस्ट स्टार्ट, किसी ना किसी जगह से, किसी प्लेटफॉर्म से, किसी कनेक्शन के थ्रू जस्ट डू समथिंग। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप है कि इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद, इस कोर्स में हमने कुछ छोटी मोटी एप्लीकेशंस तो बना ली हैं, पर ये एप्लीकेशंस जो हैं मैंने आपको लर्निंग पर्पस के लिए सिखाई हैं, जिसमें हमने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल किया है। अब आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने की ज़रूरत है। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो बेसिकली आपका काम होता है। सो अब आपको जो भी स्किल्स आपके हाथ में हैं उन सबको यूज़ करते हुए कुछ आप एप्लीकेशंस बनाएं, उन्हें कुछ डोमेन्स पे होस्ट करें और अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करें। सो आपका पोर्टफोलियो जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट मिलने का चांस है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी आईटी की फ़ील्ड में स्किल्स ज़्यादा मैटर करती हैं बनिस्पत इसके कि आपके पास कितनी सर्टिफिकेशंस हैं, और आपकी स्किल्स आपके काम के थ्रू नज़र आती हैं। एंड इवन अगर आप फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स पे भी साइन अप करेंगे तो वहाँ पे भी आपका ये पोर्टफोलियो बहुत हेल्प करेगा। सो बिफोर इवन स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट अर्निंग, आप 2-3 इस तरह की एप्लीकेशंस बनाएं। उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होंगे और उन एप्लीकेशंस को बनाते हुए जो आपके पास एरर्स आएंगे, बग्स आएंगे, उनको जब आप रिसर्च करेंगे उन पे, उनसे भी आपकी काफ़ी लर्निंग होगी। सो बाय द एंड ऑफ लेट्स से योर थर्ड एप्लीकेशन आप इतना स्किलफुल हो जाएंगे कि और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब आपको कोई अगर पोटेंशियल क्लाइंट मिले तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स भी समझ आ जाए और आपको ये भी समझ आ जाए कि वो क्या बनवाना चाहते हैं और आप उसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें इस कोर्स के बाद। थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप इज़ कि आप अपने कनेक्शंस को यूज़ करें और सोशल रहें। सो अगर आप हमारी फील्ड में नोट करेंगे तो कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप काफ़ी अगर एक्टिव रहें तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ का एक दरिया जो है वो आपके सामने आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। सो लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपने सारे स्किल्स को वहाँ पे लिस्ट डाउन करें, अपने एक्सपीरियंसेस को लिस्ट डाउन करें, आपने जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है आपके वो अपने सेल्फ मेड प्रोजेक्ट्स होंगे, इट डजेंट मैटर, उनको आप अच्छे से डिस्क्राइब करें और अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाएँ। लोगों को ऐड करें, अपने सेम स्किल्स के लोगों को ऐड करें, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनकी पोस्ट्स पढ़ें, वैल्यूएबल पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें, सो दैट पीपल गेट टू नो हु यू आर। और इसी तरीके से आपके कनेक्शंस बिल्ड होते हैं और इसी तरीके से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लाइकवाइज अपने पोर्टफोलियो को आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करें। फेसबुक पे बहुत सारे इस तरह के ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं जो कि फ्रीलांसर्स के लिए हैं या मोर स्पेसिफिकली React.js डेवलपर्स के लिए है। वहाँ पे जाएं, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पोस्ट करें, लोगों की पोस्ट रीड करें। वहाँ पे बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की डालते हैं जो कि फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, या किसी को कोई प्रोजेक्ट बनवाना होता है तो वहाँ से भी आप गेट कर सकते हैं इस तरह के काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़। सो बी सोशल, बी एक्टिव एंड टेक इट सीरियसली। मतलब फ्रीलांसिंग आपका एक कैरियर है तो इसे कैरियर की तरह लेके चलें। डोंट टेक इट एज़ अ हॉबी। येस, यू कैन टेक इट एज़ अ हॉबी अगर आप साथ साथ एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, या लेट्स से अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते फुल टाइम जॉब, तो येस, स्टार्ट इट विद अ हॉबी। लेकिन फ्रीलांसिंग आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू वांट टू डू, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू वांट टू वर्क फॉर, एंड हाउ मच यू वांट टू डू एंड हाउ मच यू वांट टू चार्ज। और इस फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए ये एक बहुत अच्छी चॉइस है जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कि आपका माइंड इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि आपने फ्रीलांसिंग को एज अ कैरियर लेके चलना है। और जब आप किसी भी चीज़ को कैरियर लेके चलते हैं तो आप उसे सीरियस लेते हैं, तो आपको इसे एक फुल टाइम जॉब की तरह सीरियस लेके चलना है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट टिप है, और आई थिंक ये टिप आपको हर पार्ट ऑफ लाइफ में जो है एप्लीकेबल है, और इवन फ्रीलांसिंग के लिए भी ये बहुत एप्लीकेबल है, एंड दैट इज़ कीप लर्निंग। सो हमारी फील्ड ऐसी है कि इट्स एवर इवॉल्विंग, हमेशा इसमें कुछ ना कुछ न्यू एडवांसमेंट्स आई हुई होती है। मे बी बाय द टाइम यू आर डूइंग दिस, यू आर डन विद दिस कोर्स, तो आपको पता चले कि रिएक्ट का एक न्यू फीचर आ गया, यू नेवर नो। तो जस्ट कीप लर्निंग, कीप मास्टरिंग इन डिफरेंट स्किल्स, सो दैट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाएँ। और वंस यू मेक अ नेम इन वन स्किल, तो फिर उसके बाद लोगों को आपको बाकी स्किल्स पे भी ट्रस्ट करना जो है वो आसान हो जाता है। सो जस्ट कीप योर लर्निंग कर्व राइजिंग फॉर एवर। हमेशा आप अपने लर्निंग कर्व को ऊंचा रखें और लर्न करते रहें, और लर्निंग से आपकी आप नोट करेंगे कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी और आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। तो ये तो कुछ फ्रीलांसिंग की टिप्स थी। अब देख लेते हैं कि रिएक्ट जेएस का फ्रीलांसिंग में ट्रेंड क्या चल रहा है एज ऑफ 2020। सो यहाँ पे ये मैंने एक सर्वे उठाया है स्टैक ओवरफ्लो का, जो कि उन्होंने कुछ महीनों पहले ही कंडक्ट करवाया है, जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज़ द रूलिंग लैंग्वेज एट द मोमेंट इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग या इन टर्म्स ऑफ जॉब ट्रेंड्स इन स्टैक ओवरफ्लो। तो 67.7 इसकी जो डिमांड रेट है वो कंपेयर टू HTML, CSS, SQL, जावा, पाइथन वगैरह से काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर फर्दर हम देखें कि कौन कौन से फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज़ जो हैं वो ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं या उनकी ज़्यादा डिमांड है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे jQuery जो है इज़ द किंग स्टिल, बट रिएक्ट जेएस उसके साथ कम्पीट कर रही है एंड इट्स ऑन सेकंड नंबर। और रिएक्ट जेएस की वाकई डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, आपको बस वो अपॉर्चुनिटी कैश करना आनी चाहिए। एक और मैंने यहाँ पे सर्वे देखा हैकर रैंक का, जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली कुछ इसी तरह के स्टैट्स बताए हुए हैं। ये भी 2020 का सर्वे है, जिसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि जावास्क्रिप्ट की कितनी डिमांड है, और दिस इज़ ऑल्सो बिटवीन 40 to 60%, जस्ट एज़ वी सॉ इन स्टैक ओवरफ्लो। तो इसकी भी काफ़ी डिमांड है, और अगर इसको मज़ीद हम अंदर जाके देखें कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ या प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो जावास्क्रिप्ट के बहुत मशहूर हो रहे हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि रिएक्ट सेकेंड नंबर पर है, और 2020 में भी सेकंड नंबर पे है, 2019 पे भी सेकंड नंबर पे है, 2018 में थर्ड नंबर पे था, और उसके बाद जो है राइज हुआ। तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड जो कि हमें ये बता रहा है कि विद टाइम आपकी रिएक्ट जेएस की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है या उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। सो अब बात कर लेते हैं कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की। बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप अपनी लक ट्राई कर सकते हैं, जिन पे आप अपने पोर्टफोलियोज़ बना के डाल सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर जॉब्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है स्टैक ओवरफ्लो, आपके पास freelancer.com, आपके पास है फाइवर, यू हैव अपवर्क, यू हैव पीपल पर आवर। ये सारे बहुत इसके अलावा भी बहुत सारे इस तरह के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप या तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप प्रोजेक्ट्स के लिए अपने आप को या अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं। यहाँ पे हम तीन प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ फाइवर। सो फाइवर एक बहुत ही मशहूर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। इसका नाम फाइवर इसलिए है बिकॉज़ यहाँ पे आप मिनिमम कॉस्ट जो अपने गिग की रख सकते हैं वो है $5, और यूजुअली जो भी फाइवर से स्टार्ट करता है वो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो अपने फर्स्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स जो है $5 से ही बनाता है, एंड एज़ ही गेन्स गुड रिव्यूज़ तो उसके बाद वो अपनी प्राइसेस को हाइक अप करता है। तो इस मुनासबत से इसका नाम जो है फाइवर रखा गया है। कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी टू अर्न ऑन फाइवर। फाइवर का मैं बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको समझाती चलूँ। सो फाइवर पे हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, एक बायर की और एक सेलर की। सो अगर आप वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हो किसी की सर्विसेज लेके, तो आप साइन अप करते हैं एज अ बायर, और अगर आप अपनी स्किल्स को सेल करना चाहते हैं तो आप साइन अप करते हैं एज अ सेलर। सिंस यहाँ पे आपने अपनी स्किल को सेल करना है तो आप एज अ सेलर साइन अप करेंगे, और एज अ सेलर जब आप साइन अप करेंगे तो आपका फ़र्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने गिग बनाना है। गिग बेसिकली एक आपका सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है जिसमें आप अपनी स्किल्स को एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ को एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं। गिग बनाने के लिए कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपको आगे जाके दूंगी। आपका गिग आपका डिफाइनिंग मोमेंट होता है। आपके गिग को देख के ही एक क्लाइंट जो है डिसाइड करता है कि उसने आपको प्रोजेक्ट देना है या नहीं देना। फ़र्स्ट थिंग जो किसी क्लाइंट को इम्प्रेस करती है वो है आपका गिग। सेकेंड चीज़ जो आपके क्लाइंट को इम्प्रेस करती है वो है आपका पोर्टफोलियो। सो पोर्टफोलियो का मैंने पहले भी जिक्र किया था। अगेन इस वेबसाइट पे भी जब आप साइन अप करेंगे और गिग्स बनाएंगे तो अपने गिग के साथ आपको अपना पोर्टफोलियो अटैच करना होगा, जिस पोर्टफोलियो को देख के क्लाइंट ये डिसाइड कर सके कि अच्छा ये दिस इज़ द राइट पर्सन टू गेट माय सर्विसेज फ्रॉम। तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होना चाहिए। थर्ड, आपके रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए। नाउ आई अंडरस्टैंड जब आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं यू स्टार्ट विद ज़ीरो रिव्यूज़, लेकिन ये कि दिस टिप इज़ मोर इफ़ेक्टिव कि अगर आप एक दफ़ा आपको बूस्ट मिल गया और आपने स्टार्ट कर लिया और लेट्स से अब आपके पास 3-4 प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। नाउ योर फोकस शुड बी कि आप उन प्रोजेक्ट्स को इतने अच्छे से डिलीवर करें कि वही क्लाइंट्स आपके पास मुड़ के वापस आएँ और वो बार बार आपको गुड रिव्यूज़ दें। सो इस प्लेटफॉर्म पे या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बिकॉज जब कोई इंसान आपको जानता नहीं है पर्सनली तो वो आपके जो रॉ रिव्यूज़ आपकी प्रोफाइल पे होते हैं उन्हीं को लर्न करके वो ये जज कर सकता है कि आपसे सर्विसेज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो मेक श्योर कि आप रिव्यूज़ बहुत अच्छे दें, मेक श्योर कि आपके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हों, रेटिंग बहुत अच्छी हो। रिव्यूज़ पे डिपेंड करती है आपकी रेटिंग, और रिव्यूज़ आप किस तरीके से अच्छे रख सकते हैं उसमें 3-4 फैक्टर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कम्युनिकेशन अच्छा रखें, रिस्पांस रेट अच्छा रखें, और सर्विसेज अपनी परफेक्ट प्रोवाइड करें। जो आप कमिट करें वो आप प्रोवाइड करें, ओवर कमिट ना करें, अंडर कमिट भी ना करें, और जो आप जितना आप कॉस्ट कर रहे हैं उसको हलाल करें। सो यानी ऐसा ना करें कि आप कॉस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो प्रोवाइड बहुत कम कर रहे हो, या आपने प्रॉमिस बहुत ज़्यादा किया और प्रोवाइड बहुत कम कर रहे हो, बिकॉज़ इसका डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल पे असर पड़ेगा और आप चल नहीं पाएंगे इस तरीके से। अब हम कुछ बात कर लेते हैं टिप्स की जो कि आप अगर फाइवर पे अर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उनको फॉलो करना ज़रूरी है। सो फर्स्ट टिप इज़ कि आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होना चाहिए, इस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। सेकंड टिप इज़ कि आपके गिग्स जो हैं वो वेल रिटन होने चाहिए। इसको मज़ीद मैं एलैबोरेट कर देती हूँ यहाँ पे कि गिग्स आपके बेसिकली गिग के अंदर आपने डिफ़ाइन करना होता है कि हु यू आर, आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपने कोई सर्टिफिकेशंस लिए हुए हैं तो आप वो मेंशन करते हैं। इसके अलावा आप ये बताते हैं कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, और आप सॉर्ट ऑफ एक ओवरव्यू देते हैं क्लाइंट को कि आप कितने अच्छे डेवलपर हैं या आप कितने इंटरेस्टेड हैं इस काम में या इस चीज़ को आप कितना सीरियसली टेकअप करते हैं। आपके गिग्स वेल रिटन होने चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके गिग्स में कीवर्ड्स होने चाहिए। सो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स बेसिकली अगर फाइवर को आप एक्सप्लोर करें तो उस पर आप और लोगों के भी गिग्स देख सकते हैं। तो आप एज अ बायर अगर बायर की कैटेगरी में जाएं और वहाँ पे जाके आप React.js डेवलपर्स सर्च करें, उनकी प्रोफाइल्स देखें, तो उसमें जो टॉप सेलर्स होंगे उनके आप गिग्स उठा के देखें तो उसमें उन्होंने कुछ वर्ड्स को बोल्ड किया हुआ होता है, कुछ वर्ड्स को कैपिटलाइज़ किया हुआ होता है। तो इस तरह की टेक्निक से आप लोगों की अटेंशन ग्रैब करते हैं। ऑल्सो हमारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में इस तरह के एल्गोरिदम्स चल रहे होते हैं जो कि सर्टेन कीवर्ड्स की बेसिस पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, और जिन गिग्स में उन्हें वो कीवर्ड्स मिलते हैं उन गिग्स को यकीनन बूस्ट मिलता है। सो आप इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ करें, जैसे कि अगर आप React.js का कोई गिग बना रहे हैं तो मेक श्योर यू यूज़ वर्ड्स लाइक React.js, जावास्क्रिप्ट, वेब डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग, वेब प्रोजेक्ट्स, इस तरीके के आप कीवर्ड्स जो हैं वो अपने गिग में जितना ऐड कर सकते हैं उतना ऐड करें। वेल रिटन होना चाहिए, वेल वर्स्ड होना चाहिए आपका गिग, और इसके अलावा आपके गिग में ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि आप किन किन स्किल्स में महारत हासिल करते हैं और क्या क्या ऑफ़र करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा सा ये भी डिफ़ाइन करना चाहिए कि आप के रेट्स के हिसाब से आप किस रेट में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और अपने गिग को अपडेटेड रखना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। सो कुछ टाइम के बाद जो है आप लेट्स से आपको प्रोजेक्ट्स आना स्टार्ट हो गए और अब आपकी स्किल्स भी बढ़ गई हैं और अब आप डिफरेंट तरीके के प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, लेकिन आपका गिग वही पुराना है और उस पर पुरानी ही आपकी प्राइस पड़ी हुई है, तो दैट इज़ नॉट रियली गुड। आप अपने गिग्स को अप टू डेट रखें तो उससे भी आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। थर्ड इज स्टार्ट ऑफ विद ऑर्डर्स फ्रॉम कनेक्शंस। तो ये एडवाइस मैं सबको देती हूँ जो भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने वाले होते हैं। तो जब आप पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं, एक्चुअली ये काम आप उसी स्टेप से करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने अब ये कोर्स सीख लिया, अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करें। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप या तो ख़ुद से एक्सप्लोर करें कि क्या क्या गुड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप फॉर अ पोर्टफोलियो, फॉर अ रिएक्ट जेएस पोर्टफोलियो बना सकते हैं, या फिर आप अपनी कम्युनिटी में, अपने आसपास कनेक्शंस में एक्सप्लोर करें कि किसी को अगर कोई यूआई वेबसाइट बनवानी हो, फ्रंट एंड वेबसाइट बनवानी हो, तो आप उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं कि आप चीप रेट्स में या बिल्कुल फ्री उन्हें कोई वेबसाइट बना के देंगे। और उसमें पुट ऑल योर एफर्ट्स, इवन दो आपको कम उससे अर्निंग हो रही होगी या मे बी बिल्कुल भी अर्निंग ना हो रही हो, लेकिन उसको आप अपनी लर्निंग अपॉर्चुनिटी लेके चलें और गिव योर बेस्ट इन इट, बेहतरीन बनाएं ताकि आप उसे पोर्टफोलियो में भी डाल सकें। और इट्स बेस्ट कि अगर आपको कोई इस तरह का प्रोजेक्ट मिले तो जो आपको ये प्रोजेक्ट दे रहा है उससे आप रिक्वेस्ट करें कि वो आपको फाइवर पे ये प्रोजेक्ट दे। उससे ये होगा कि आप के फाइवर पे ये चीज़ रजिस्टर हो जाएगी कि आपके पास एक ऑर्डर आया है, और फिर बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस उनसे कहें कि वो आपको फाइवर पे ही आपको रिव्यू दें। तो उससे ये होगा कि आपकी प्रोफाइल पे एक रिव्यू भी आ जाएगा, आपका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा और आपकी प्रोफाइल को बूस्ट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो जो इनिशियली आप अपने पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट्स बना रहे हों या किसी के बना रहे हों या अपने लिए बना रहे हों, तो ट्राई करें कि अपने कनेक्शन से कहें कि वो आपको फाइवर पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दें ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो बूस्ट हो। फोर्थ, एक और इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो ये कि बायर रिक्वेस्ट का फ़ीचर ज़रूर यूज़ करें। सो डोंट जस्ट कीप सिटिंग थिंकिंग के कोई खुद आके आपको कांटेक्ट करेगा और कहेगा कि भाई मुझे ये वेबसाइट बनवानी है, प्लीज़ बना दो। ये तब होता है मोस्टली जब आप बहुत हाई लेवल सेलर बन जाते हैं और आपकी प्रोफाइल जो है वो टॉप के रैंक्स में फ्लोट कर रही होती है, तो बायर्स जो हैं वो खुद से आपको कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें ये सर्विसेज चाहिए आपकी। बट इन द बिगिनिंग आपको हमेशा क्लाइंट के पास खुद जाना पड़ता है, और इसके लिए ये एक फ़ीचर है फाइवर का, बायर रिक्वेस्ट का। तो आप इस फीचर को यूटिलाइज़ करें। इस फीचर में ये होता है कि लोग एडवर्टाइज़ करते हैं या बायर्स एडवर्टाइज़ करते हैं कि हमें ये सर्टेन सर्विसेज चाहिए। उस पर आपके पास ऑप्शन होती है कि अगर आप उनकी सर्विसेज से मैच कर रहे हैं तो आप उस पर उन्हें एक ऑफ़र बना के सेंड कर सकते हैं जिस पर आप बताते हैं कि मैं इतने रेट्स में इतनी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा इतने दिनों में। इस तरीके से आप बायर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। एक दिन के अंदर आप 10 बायर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सो बी सेलेक्टिव इन व्हाट यू वांट टू परसू। और आप बायर रिक्वेस्ट ढेर सारी भेजें। इट डजेंट मैटर कि आपको रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं, द थिंग इज़ कि आपने डिसहार्ट नहीं होना। इनिशियली बहुत मुश्किल होता है कोई प्रोजेक्ट गेट करना या किसी क्लाइंट को अट्रैक्ट करना, बट वंस आपका एक दो रिव्यूज़ आ जाएँ अच्छे, उसके बाद जो है क्लाइंट्स आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स हाउ यू स्टार्ट। सो नेवर गेट डिसहार्टेड कि अगर आपने 100 बायर रिक्वेस्ट भेज दी और उनमें से सिर्फ एक आपको जो है रिस्पॉन्स आया, तो इट डजेंट मीन कि आगे जाके नहीं आएगा। जस्ट बी कंसिस्टेंट। तो बायर रिक्वेस्ट के फ़ीचर को ज़रूर यूज़ करें, स्पेशली इफ़ यू आर स्टार्टिंग ऑन फाइवर। एक और टिप जो है वो है गुड कम्युनिकेशन और फास्ट रिस्पांस। सो फास्ट रिस्पांस जो है इट्स द की फ़ीचर ऑफ फाइवर, जिसकी बेसिस पे आपकी प्रोफाइल पे एक स्टैट भी आ रहा होता है कि आप कितना इफ़ेक्टिव रिस्पांस देते हैं। सो इट शुडन्ट बी लाइक कि आपको एक क्लाइंट ने जो है कांटेक्ट कर लिया और आप उसे 36 आवर्स के बाद रिस्पॉन्ड करें, प्रॉबेबली उसकी नीड जो है वो 36 आवर्स में किसी और ने पूरी कर दी हो। सो बी एज़ फास्ट एज़ यू कैन। ट्राई करें कि जिस वक्त आपको मैसेज आए उसी वक्त आप रिप्लाई करें। फाइवर के अंदर ये भी एक फ़ीचर होता है जो कि आपके क्लाइंट को बता सकते हैं कि अच्छा इस वक्त आपके टाइम जोन के अंदर रात का वक्त है, सो यू माइट बी ऑफलाइन और स्लीपिंग। तो जब आपका जो है वो मॉर्निंग टाइम स्टार्ट हो जाता है तो वो नोटिफिकेशन चला जाता है क्लाइंट के पास से। सो नाउ द क्लाइंट नोज़ कि अब आपका मॉर्निंग टाइम स्टार्ट हो गया, तो वो एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाता है कि नाउ यू रीच हिम आउट अर्लीस्ट। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप चेक रखें कि आपको फाइवर पे मैसेजेस तो नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो उन्हें ट्राई करें कि जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करें। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ बायर रिक्वेस्ट के टैब की। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रैंडम मैंने एक रैंडम मैंने इमेज उठाया है बायर रिक्वेस्ट का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन 148 ऑफ़र्स जो हैं वो सेंड हुई हुई हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपने जितनी सेंड की हों आपको उन सब से रिस्पॉन्स आ जाए। हो सकता है कि आपने 148 सेंड की हुई हो तो आपको सिर्फ 1 का या 2 का जो है रिस्पॉन्स रिसीव हो फ्रॉम द बायर। अब यहाँ पे एक मैंने रैंडम वेबसाइट खोली हुई है ऑफ अ लेवल 2 React.js डेवलपर जो कि मुझे फाइवर पे मिला, और मैं उसकी प्रोफाइल दिखा के आपको एक एग्जांपल देना चाहती थी कि आप अपनी प्रोफाइल किस तरीके से सेट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये कि आप एक से ज़्यादा गिग्स बना सकते हैं। सो जितने आप गिग्स बनाएंगे उतनी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, क्योंकि उतने एडवर्टाइजमेंट जो हैं आपके शो होंगे इन द बायर्स सर्विसेज लिस्ट। जो बायर ढूंढ रहा होगा सेलर्स को, तो उसमें आपके अगर एक गिग होगा तो एक शो होगा, 5 गिग्स होंगे तो 5 गिग्स शो होंगे। तो फॉर वन स्किल आप मल्टीपल गिग्स भी बना सकते हैं। उनकी आप थोड़े टाइटल को चेंज कर दें, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर दें, और 19-20 का फ़र्क रख के आप ढेर सारे अपने गिग्स बना सकते हैं, ताकि उस तरीके से भी आपको एक्स्ट्रा अर्निंग जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। तो उस तरीके से भी आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ स्टार्स हैं जो कि आपकी रेटिंग बता रहे हैं, और उनके आगे लिखा हुआ है कि आपके पास कितने रिव्यूज़ हैं। तो इट्स बेस्ट कि अगर आपकी रेटिंग जो है वो 4.5 से 5 के दरमियान हो। 4.5 से अगर बिलो होगी तो ट्रस्ट लेवल जो है वो फ़ौरन ड्रॉप करता है। तो ट्राई टू कीप इट एज़ क्लोज टू 5.0 एज़ पॉसिबल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारे इन्होंने गिग्स बनाए हुए हैं। सिंपल वर्डिंग्स है, आई विल बिल्ड वेब एप्लीकेशन यूजिंग React.js, आई विल मेक React एंड Redux वेबसाइट, आई विल क्रिएट React.js एप्लीकेशन विद Redux। इस तरीके से इन्होंने कई गिग्स बनाए हुए हैं ओनली फॉर React.js डेवलपमेंट। यहाँ पे इन्होंने अपनी अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने अपनी स्किल्स का जिक्र किया हुआ है, अपने बैकग्राउंड का जिक्र किया हुआ है। स्किल्स को उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। ये आप जब प्रोफाइल बना रहे होते हैं फाइवर पे, तो ये स्किल्स यहाँ पे ऐड करना बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी बेसिस पे फाइवर डिसाइड करता है कि आपको किस कैटेगरी में शो करना है और आपको किस तरह की बायर रिक्वेस्ट शो करनी है। यहीं पे आप अपनी एजुकेशन और सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं। ये आपका एक सेक्शन है जो कि सारे रिव्यूज़ बता रहा होता है। ये रिव्यूज़ जो हैं आपके डिफाइनिंग पॉइंट होते हैं किसी भी बायर के कांटेक्ट करने या ना करने के लिए। एक गिग उठा के देख लेते हैं। सो ये फर्स्ट गिग ही देख लेते हैं। इस पर इन्हें 46 ऑर्डर्स मिले हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं इनका गिग है, ये गिग का टाइटल है, इस गिग की रेटिंग है, और यहाँ पे इन्होंने एक पोर्टफोलियो में अपनी एक वेबसाइट डाली हुई है जो इन्होंने बनाई थी। तो आप देख सकते हैं कि इसकी यूआई जो है आई एम श्योर आप लोग भी बना सकते हैं विद ऑल द थिंग्स दैट वी हैव लर्न्ड रिगार्डिंग मटेरियल यूआई, रिगार्डिंग React.js, रिगार्डिंग ऑल द लाइब्रेरीज दैट वी हैव स्टडीड सो फार। तो आप भी इस तरीके से कोई वेबसाइट बना के उसकी स्नैप्स लेके वो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपने गिग के बारे में लिख सकते हैं कि आप क्या क्या अपने ऑर्डर के अंदर आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। यूज़ बुलेट्स पॉइंट्स, पैराग्राफ्स में जितना लिखेंगे लोग उतना हेक्टिक समझेंगे पढ़ना। सो यूज़ बुलेट्स, बी कंसाइज एंड बी ब्रीफ। और ये नोट जो है हमेशा इफेक्टिव होता है, दैट इज़ कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, क्योंकि समटाइम्स यू आर अवे और आपको अगर कोई ऑर्डर आ जाए तो वो आपके लिए फ़ुलफ़िल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर आप वो ऑर्डर फ़ुलफ़िल ना करें तो आपकी रेटिंग नेगेटिव में चली जाती है और आपकी प्रोफाइल को बुरा इम्पैक्ट मिलता है। सो ये बेहतर है कि आप नोट अपने हर गिग में डालें, ताकि जो भी बायर आपके गिग को रिव्यू करे वो डायरेक्टली आपसे ऑर्डर ना प्लेस करे, बल्कि पहले आपको कॉन्टैक्ट करे और फिर उसके बाद वो आपको रिक्वायरमेंट्स समझा के आपकी डेडलाइन को कंफर्म करके और फिर आपको ऑर्डर पे। गिग में आप अपना पोर्टफोलियो का लिंक भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आपके इस गिग में आप कितने दिन में डिलीवर करेंगे वो आ रहा होता है, कितनी रिविजन्स ऑफर करेंगे वो आ रहा होता है, सोर्स कोड इंक्लूडेड है या नहीं वो आ रहा होता है, और यहाँ पे आपके गिग की प्राइस आ रही होती है। ऑलराइट, सो हम सेकंड जो प्लेटफॉर्म देखेंगे वो है अपवर्क का। अपवर्क भी एक और फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जिस पे आप के लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाशा होती हैं। सो अपवर्क का वर्किंग मॉडल कुछ इस तरह का है कि इस पे आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और उसमें आप सब कुछ अपनी स्किल्स, अपना बैकग्राउंड, आपने जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है वो सब कुछ डिफाइन करते हैं। क्लाइंट्स अपने ऑर्डर की डिटेल्स डालते हैं या जिस प्रोजेक्ट को वो बनवाना चाहते हैं उसकी डिटेल्स डालते हैं और उस पर आप फिर कांटेक्ट करते हैं विद योर कवर लेटर, विद योर प्रोफाइल एंड योर स्पेसिफिकेशंस, एंड देन द क्लाइंट रिव्यूज़ ऑल द एप्लीकेशंस जो उसके पास आई हुई होती है और उसमें से वो उसे जो बेस्ट चॉइस लगती है वो उसको उठा लेता है और हायर कर लेता है। इसके अलावा आप अपवर्क में अपना आवरली रेट डिफ़ाइन कर सकते हैं और प्रोजेक्ट बेस्ड रेट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब आप आवरली रेट डिफ़ाइन करते हैं तो अपवर्क के अंदर ये मैकेनिज़्म होता है कि वो इस चीज़ को मॉनिटर करना स्टार्ट कर देता है जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं आवरली रेट पे, कि वो कि आप कितने आवर्स जो हैं अपने मॉनिटर पे काम कर रहे हैं या अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एंड एट डिफरेंट इंटरवल्स जो है वो स्नैपशॉट्स कैप्चर करके क्लाइंट को सेंड करता रहता है जिससे क्लाइंट को अंदाज़ा होता रहता है कि यू आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। और बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू वर्क जो कि कैलकुलेट होते रहते हैं उसी सिस्टम में आपको क्लाइंट जो है वो पे करता है। तो ये तो बेसिक सा मैंने आपको वर्किंग मॉडल समझाया अपवर्क का। अब चलते हैं अपवर्क की वेबसाइट पे और उसका जो हाउ इट वर्क्स का सेक्शन है उसे देख लेते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट और उसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा हाउ यू कैन स्टार्ट विद अपवर्क। सो अपवर्क के हाउ इट वर्क्स के सेक्शन में आप देख सकते हैं तीन टैब्स हैं, इफ़ यू आर हायरिंग, इफ़ यू आर वर्किंग एंड FAQs। सो यहाँ पे इफ़ यू आर वर्किंग के टैब में हम जाएं तो आपको बेतहाशा इन्होंने डिटेल्स लिखी हुई हैं, बताई हुई हैं, जिसके थ्रू आप इस पे जो है स्टार्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वही बात जो मैंने आपको बताई कि इस पे आप रिवॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। वाइड वैरायटी होती है, यू गेट टू चूज़ कि आपने किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, किस क्लाइंट के लिए काम करना है और कितने चार्जेस आपने सेट करने हैं। हायरिंग प्रोसेस इसमें काफ़ी स्ट्रीमलाइंड होता है और जो टॉप रेटेड या जो राइजिंग टैलेंट होता है उसे अपवर्क जो है वो बूस्ट करता है। और बेसिकली आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है और आपकी सर्विसेज पे डिपेंड करता है कि आप कितना, आपको बूस्ट मिल रहा है या आप कितना राइज कर रहे हैं। एंड इफ़ यू प्रोवाइड गुड सर्विसेज तो ये प्लेटफॉर्म आपको मज़ीद बूस्ट करता है कि आप टॉप पे आएँ, लोग आपकी प्रोफाइल को ज़्यादा विजिट करें और आपकी एप्लीकेशन को प्रेफर करें। सो नेक्स्ट इसमें बताया हुआ इन्होंने कि वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, सो दे हैव दिस मोबाइल ऐप, इसे आप अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। गेट कनेक्टेड विद योर क्लाइंट्स वेयर एवर यू आर, बी इन कॉन्टैक्ट विद दैम, रियल टाइम मैसेजिंग आप उनके साथ करके और कोई भी कन्फ्यूजन और रिक्वायरमेंट से रिलेटेड वो आप डिस्कस कर सकते हैं। देन द पेमेंट ऑप्शन ऑन दिस वेबसाइट इज़ प्रीटी सिक्योर एज इट इज़ ऑन फाइवर, और आप इस पे जो है टाइमली अपनी पेमेंट गेट करते हैं। आवरली भी आप रेट फिक्स कर सकते हैं अपना और फिक्स रेट भी रख सकते हैं बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट, और एज सून एज़ यू आर डन विद योर प्रोजेक्ट तो आपके पास आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और ट्रांसफ़र के भी काफ़ी सारे तरीके हैं फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्ट डिपॉजिट, पेपाल, अगर डायरेक्ट डिपॉजिट आपकी कंट्री में पॉसिबल हो तो, अदरवाइज़ आप पेपाल पे साइन अप कर सकते हैं और उसके थ्रू आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं पैसे, और पेयोनियर यूज़ कर सकते हैं आप, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती हैं। तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सर्विस फ़ीस का ये मतलब है कि हर प्रोजेक्ट पे अपवर्क कितना आपको चार्ज करता है। सो इसका चार्जिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है जो कि यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि 20% फॉर द फर्स्ट 500 बिल्ड विद द क्लाइंट, 10% फॉर द बिलिंग ऑफ $500 to $10,000 विद द क्लाइंट, एंड 5% फॉर लाइफ टाइम बिलिंग विद द क्लाइंट दैट एक्सीड $10,000। तो ये सारी यहाँ पे इन्होंने आपको स्टार्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है। ऑल यू नीड टू डू इज़ साइन अप एंड अप्लाई एज अ फ्री Lancer and you can get started here. So यहाँ पे मेरे पास एक रैंडम मैंने React.js डेवलपर की Upwork प्रोफाइल उठाई है just to show you के how it looks like and how you can create your own. So सबसे पहले आपकी प्रोफाइल में आ रही होती है आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपकी जो कि बहुत वेल रिटन होनी चाहिए, वेल वर्स्ड होनी चाहिए, चाहे आप किसी से रिव्यू करवा लें. शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, शुड नॉट हैव वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस एंड अननेसेसरी डिटेल्स. सो इसमें फिर उसके बाद आपकी आ रही होती है वर्क हिस्ट्री, जो कि आपकी वर्क हिस्ट्री अपवर्क की वर्क हिस्ट्री होती है कि यहाँ पे आपने कितने लोगों के साथ जॉब्स की हैं, उनके क्या रिव्यूज़ हैं, वो आ रहे होते हैं. इसके अलावा टॉप पे अगर आप देखें तो आप यहाँ पे अपना पर आवर रेट डिफ़ाइन कर सकते हैं और नीचे आप अपनी पोर्टफोलियो के लिंक्स दे सकते हैं, स्किल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं. और इसके अलावा यहाँ पे आप प्री पैकेज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी ऑफ़र कर सकते हैं. प्री पैकेज प्रोजेक्ट्स बेसिकली आर कंप्लीट प्रोजेक्ट्स जो कि आप क्लाइंट को फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ऑफ़र कर सकते हैं और सिंपल क्लाइंट वो आपका प्रोजेक्ट उठाएगा और उसमें आपसे बेसिकली जो कुछ चेंजेस करवानी होंगी वो करवाएगा एंड यू आर रेडी टू सेल योर प्रोजेक्ट. तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने प्रोजेक्ट की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 2000 रखी हुई है दोनों प्रोजेक्ट्स की. तो आप भी इस तरीके से अच्छी अमाउंट में अपने प्रोजेक्ट्स सिंपल बना के और वो ऑफ़र कर सकते हैं. और इवन फाइवर में भी और अपवर्क में भी हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से यू स्टार्ट फ्रॉम लिटिल बट एज़ यू स्टार्ट ग्रोइंग तो आपके पास कितना ज़्यादा वाइड होराइज़न आपको मिलता है टू अर्न. और 2000 से 2500 तक आप ईज़िली अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं एज़ यू प्रोसीड एंड एज़ यू ग्रो और जैसे जैसे आप लेवल अप होते हैं सेलिंग में तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अर्न मोर. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये $60 पर आवर बना रहे हैं, लेट्स से यू वर्क 5 hours अ डे, तो आप एक दिन में यू कैन अर्न $300 ईजीली. तो पर मंथ आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये फील्ड कितनी रिवॉर्डिंग है. तो ओनली थिंग इट डिमांड्स इज़ हार्ड वर्क. आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए, कमिटेड होने चाहिए. यू शुडंट हैव अ लाउजी एटीट्यूड टूवर्ड्स योर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स. आप इसे जॉब की तरह लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा. नेक्स्ट और लास्ट प्लेटफॉर्म की जो हम बात करेंगे वो है पीपल पर आवर. और पीपल पर आवर प्लेटफॉर्म जो है ये इसका कॉन्सेप्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है अपवर्क और फाइवर के कॉन्सेप्ट से. और इट्स अ यूके बेस्ड प्लेटफॉर्म जो कि आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कहीं भी बैठ के रिमोटली और अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं और उन्हें वो स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि या वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि इन डिमांड हैं. सो पीपल पर आवर पे काम किस तरह करते हैं इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं उन्हीं की वेबसाइट से. सो ये है हाउ इट वर्क्स का सेक्शन peopleperhour.com पे. यहाँ पे आप सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं जो कि पीपल पर आवर के एडमिन्स जो हैं अप्रूव करते हैं अगर उन्हें सूटेबल लगे. और उसके बाद आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स आपके सामने प्रपोजल्स आ जाते हैं या प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जिनमें से आप पिक एंड चूज़ कर सकते हैं कि आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं और किस में नहीं. लेकिन उससे पहले ये कि आपको एक अच्छी सी प्रोफाइल बनानी होती है विच इज़ अ मस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म. अब तक हमने जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स देखे हैं ये एक उसका की फ़ीचर है कि आपको प्रोफाइल जो है वो टॉप क्लास बनानी चाहिए. उसके बाद आप अपने हिसाब से परफेक्ट प्रोजेक्ट्स हंट करें और उसमें आप कोट्स सेंड करें. सो आप मंथ में 15 कोट्स सेंड कर सकते हैं. कोट इज़ बेसिकली ऑफ़र्स जो आप ऑफ़र सेंड कर रहे होते हैं. बट इफ़ यू वांट टू सेंड मोर तो वो आप प्रीमियम फ़ीचर्स लेके और उससे सेंड कर सकते हैं. उसके बाद आप जो कोट्स बना रहे होते हैं उसमें आप अपनी बेस्ट स्किल्स बेस्ट प्राइस पर रखें. डू नॉट अंडर कमिट, डू नॉट ओवर कमिट. और अपने चार्जेस को भी अपनी स्किल और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से खुद गेज करें और ख़ुद सेट करें. इसके अलावा इस वेबसाइट पे भी आपको चार्ज करना कोई मसला नहीं है. द होल प्रोसेस ऑफ अर्निंग मनी इज़ रियली ईजी इन्वॉइसिंग. सो व्हेन यू आर डन विद अ प्रोजेक्ट आप इजीली एक इन्वॉइस बना के जो है वो क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं कि इतना मैंने इतना चार्ज किया है फॉर दिस प्रोजेक्ट. और एज सून एज़ द क्लाइंट अप्रूव्स तो वो आपकी पेमेंट जो है आपके अकाउंट में सेंड की जा सकती है. इसके अलावा लास्ट थिंग जो सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए ज़रूरी है वो ये कि अपने क्लाइंट्स के साथ आप अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करें. एक दफ़ा जो क्लाइंट आपसे सर्विस लेके जाए कोशिश करें कि वो दोबारा मुड़ के आपके पास ही वापस आए. उसे दोबारा से हंट ना करनी पड़े कि लेट्स से उसे दोबारा से कोई वेबसाइट बनवानी है तो वो कोई और सेलर ढूंढे बिकॉज उसको आपकी सर्विसेज पसंद नहीं आई. सो डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, वर्क हार्ड. और जो मैंने आपको पहले टिप्स दी हैं फॉर दी अदर प्लेटफॉर्म फॉर दी अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, उसको आप अप्लाई करें और एडहियर करें उन सब से, एंड इंशाल्लाह आपके जो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे और आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। आपकी टेक्निकल लर्निंग तो हो ही रही है इस तरह के कोर्सेज से, लेकिन जब आप एक्चुअली प्रोजेक्ट्स उठाएंगे और एक्चुअली इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे क्लाइंट्स के साथ, दैट्स व्हेन यू आर गोइंग टू रियलाइज़ कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो कितनी बेहतर हो रही है। बिकॉज आपके ऊपर कभी प्रेशर भी आएगा, डेडलाइंस भी आएंगे, यू विल हैव टू कमिट, और आपने कुछ कमिट किया हुआ है वो आपको डिलीवर करना पड़ेगा। तो इन सारी सिचुएशन से आप मोल्ड होंगे एंड थिंग्स आर ओनली गोइंग टू गेट बेटर। लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क ज़रूरी है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आज आप अप्लाई करेंगे तो कल आप $2,000 कमाना शुरू हो जाएंगे। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट हैपन्स विद कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। यहाँ पे मैंने रिएक्ट.js के जॉब्स और प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट निकाली है पीपल पर आवर पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइकवाइज इतने सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऑफ़र हो रहे हैं और आप इनकी फ़िक्स प्राइस भी देख सकते हैं। दे आर क्वाइट रिवॉर्डिंग। आप अपनी स्किल सेट के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देख सकते हैं कि आप किस अपॉर्चुनिटी के लिए राइट चॉइस हैं। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ़र को खोलें तो यहाँ पे इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन गिवन है, एक्सपीरियंस लेवल गिवन है, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन गिवन है। सो दैट्स द बेस्ट थिंग कि आपको ड्यूरेशन भी यहाँ पे बताई जा रही है। सो इन केस आपके पास ऑलरेडी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं तो एंड यू नो कि आप अभी 6 महीने नहीं निकाल सकते, सो यू आर एबल टू निगोशिएट या यू आर एबल टू डिसाइड कि इफ़ यू वॉन्ट टू टेक अप दिस प्रोजेक्ट और नॉट। यहाँ पर थोड़ी सी इन्होंने प्रपोजल की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। आपने यहाँ पे अगर प्रपोजल सेंड करना है, यू नीड टू साइन इन एंड देन यू कैन सेंड योर प्रपोजल। और यहाँ पे आपके पास रिलेटेड प्रोजेक्ट सर्चेस भी आ रही हैं और जो ये बायर है उसकी इंफॉर्मेशन भी आ रही है। और इस तरीके से आप पीपल पर आवर पे भी साइन अप करके और अच्छा खासा कमा सकते हैं। सो द ट्रूथ इज़ के देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ जो आप घर बैठे बैठे अवेल कर सकते हैं और रिमोटली काम करके, जिसके थ्रू आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। बट द फैक्ट इज़ कि यू हैव टू स्टार्ट, आपको कहीं ना कहीं से स्टेप लेना है। यू टेकन द फर्स्ट स्टेप, आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, नाउ यू हैव टू टेक अनदर स्टेप और आपको इस स्टेप में एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। एंड नेक्स्ट स्टेप में आपने फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे साइन अप करके और उनको इस्तेमाल करना स्टार्ट करना है। अगेन आई वुड से प्लीज़ डू नॉट बी डीमोटिवेटेड। अगर पहले मंथ, दूसरे मंथ, तीसरे मंथ में आपके पास कोई ऑर्डर ना आए या 1-2 ऑर्डर्स आए या आपकी अर्निंग कम हो, जस्ट कीप डूइंग इट। विद टाइम आप इस पे एक्सपर्ट हो जाएंगे। एंड मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाई हैं कि जो इन वेबसाइट्स पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो सालों से इन पे काम कर रहे हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं। दे आर अर्निंग मोर देन 2-3K पर मंथ, जो कि ये एक मैं आपको रफ सा एस्टिमेट दे रही हूँ। एंड अगेन जो आपने अभी स्किल सीखी है React.js डेवलपर, ये React.js की ये कहीं नहीं जा रही। इट्स ओनली गोइंग टू गेट मोर फेमस एंड मोर इन डिमांड इन द मार्केट। सो कैश इट और इनिशिएटिव लें और इंशाल्लाह ताला आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यू कैन डू इट। आप इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करते हुए ना सिर्फ अपने लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएँ बल्कि अपने मुल्क का भी सोचें और अपने मुल्क में बाहर से रेवेन्यू लेकर आएँ ताकि हमारी इकॉनमी को फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग दिस कोर्स। आई होप आपको इसमें सब कुछ समझ आया होगा और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको हर प्रोग्राम, हर कॉन्सेप्ट जो है वो इन डिटेल समझाऊं। एट द एंड मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करें, जितना आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करें, बिकॉज वो लर्निंग जो है उसका कर्व अलग ही होता है as compared to watching videos and tutorials on different websites. So practice, practice, practice. Practice करने से आपकी skills enhance होंगी और practice करने से ही आपकी opportunities बढ़ेंगी. Be social, practice more and start working. I hope आपको ये course पसंद आया होगा. I wish you all best of luck for your futures and thanks for following the course. Thank you.